आज हम साहिबगंज के अंदर उपस्थित है आए हैं जो कॉमेडी के बादशाह यानी बिहार स्तर पे हिंदुस्तान स्तर पे, लेकिन बिहार राज्य का जो नाम सबसे ज्यादा ऊंचाई पे ले जाने वाले मणि मेराज जी के पास रसूलपुर आज हम आए हैं। उनको लाइव आप देख सकते हैं, इनसे हम बहुत सारी चीजें पूछेंगे और जानकारी लेंगे कि कितनी कठिनाई के साथ इन्होंने इस मकाम को हासिल किया और बहुत सारी बातें इनसे करेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए हम इन्हीं से बातचीत करते हैं। मेराज भाई, हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। और जितना भी श्रोतागण देख रहे हैं सबको प्रणाम सलामत आप नमस्कार, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग तो अच्छे ही हैं, लेकिन आपके इतने सारे समझ लीजिए कि बच्चे बूढ़े जवान मेल फीमेल सारे फैंस का ये कहना था कि जितने भी हमारे फैंस हैं सारे लोगों ने ये कहा था कि सर आप मणि मेराज जी के पास जाइए और उनको हमको जो है ना लाइव दिखाइए। तो आज जो है ना वो सारे फैंस को आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले कि सबको तहे दिल से शुक्रिया, आप लोग इतना प्यार देते हैं, प्यार करते हैं और मुझे अपने दिल में रखते हैं, और आप लोगों की वजह से आज जहाँ भी हूँ और बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के लिए काम करते हैं। सोचता हूँ कि मैं हर एक वीडियो मेरा फनी हो, मेरा वीडियो देख के आप लोग हंसे मुस्कुराए और खुश रहे, बस यही कोशिश रहेगा जी। लोगों का यही कहना है जो आपसे बेपनाह प्यार करते हैं, वो यही कहते हैं कि एक द कपिल शर्मा शो महाराष्ट्र में चलता है और दूसरा समझ लीजिए कि बहुत ही हम लोगों के लिए प्रसिद्ध मणि मेराज जी जो काम करते हैं, जो हमारी समझ लीजिए हमें बहुत सारी खुशियां देते हैं, बहुत सारी दुआएं वो लोग देते हैं कि हमेशा आप ऐसी जल्द से जल्द वीडियो उनको ताज़ा ताज़ा कॉमेडी देते रहें। देखिए अभी मेरा न्यू वीडियो आने वाला है, सन 2005 का टीजर हम लोग डाले हैं जी। थोड़ा कुछ 17 साल पीछे गए हैं, कुछ लोगों का वो यादगार जो याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं जो पहले हुआ था जी। जो लोग भूल गए हैं टाइगर लेके चल रहे हैं जी। तो फिर तो हम पीछे जाकर वो चीज़ दिखाने की कोशिश किए। तो ये कॉमेडी के अंदर आपको कब से ये जुनून चढ़ा कि हाँ मैं कॉमेडी करूँ अपने दोस्तों के लिए, अपने गांव का नाम रोशन करने के लिए, अपने जिला का विस्तृत बढ़ाने के लिए? मैं तो बहुत शुरू से ही बना रहे हैं कॉमेडी, कहीं काम कर रहे हैं। कितने वर्षों से? जैसे वर्षों से ज्यादा नहीं, लेकिन 2018-19 से काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों से तो मतलब वीडियो में काम कर रहे हैं, उसके पीछे का बहुत बड़ा स्ट्रगल है जी जी। जो मैं 10 साल का था तब से इसमें जुनून है, मुझे एक्टर बनने का शौक जी जी, और बहुत सारे दर-दर ठोकर खाया हूँ। ऐसा नहीं है कि वीडियोस में जब से आया हूँ तब से लोग देख रहे हैं, उसके पीछे बहुत मेहनत है जी। जैसे हम लोगों ने जब गांववासी से बातचीत की तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि उस लड़का को हम लोग कितनी भी दुआएं दे कम है, क्योंकि वो इतनी स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा है और भगवान से हम बहुत सारी प्रार्थनाएं करते हैं कि वो और ऊंचाई तक जाए, क्योंकि 10-12 वर्षों से मेहनत करने के बाद इतनी मकाम मिली और हम लोग बहुत प्रार्थना करते रहते हैं हमेशा कि और ऊंचाई पे जाए। थैंक यू, धन्यवाद। तो आप लोग इसी तरह प्यार देते रहिए और मेरा कंटेंट बहुत धासू धासू आने वाला है और मैं काम कर रहा हूँ अभी, मेरा वीडियो बस फाइनल ही होने वाला है, बहुत सारे गाने आने वाले हैं और कुछ दिन बाद शायद फिल्म भी करने वाले हैं। चलिए, आपसे बातचीत करके बहुत खुशी हुई, लेकिन अंत में यही कहना चाहेंगे कि अभी न्यू वीडियो कौन सा अपने फैंस को देने जा रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर के मौके से? सन 2005 यानी आपको 10 वर्ष पीछे ले जाकर पुरानी यादें। 17 साल पीछे, ठीक है 17 साल जो भी हो, आपको यादें पुरानी ताज़ा ये करेंगे, नई अपडेट आपको नई जनरेशन के हिसाब से मणि मेराज जी दिखाएंगे जिस तरीके से आप इनको प्यार देते हैं। अंत में सर हमारे जो दर्शक है उनके लिए भी कुछ कह दीजिए आप अपने फैंस के माध्यम से। जितने भी इनके दर्शक देख रहे हैं, हमारे श्रोता देख रहे हैं, सबसे बस यही नम्र निवेदन है कि आप लोग इन सारे चैनलों को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, देखते रहिए, अच्छा खबर दिखाते हैं और अच्छा पत्रकारों को आप लोग सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे पत्रकारों को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आज के डेट में ब्लॉगर लोग बहुत है जो अपने आप को बोलते हैं हम है ये, लेकिन नहीं ये अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा चीज दिखाते हैं। तो बस आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, प्यारा प्यारा थैंक यू, लव यू। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेराज जी थे, जैसा आप
फैंस ने कहा था, हो गया।